हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक की बुक के बारे में। इस बुक के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कैटेगरी वाइज किस किस तरीके से राइटर एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट के लिए कि उनको अच्छे से समझ आ जाए। और ये सबसे बेस्ट बुक है 7 सेमेस्टर की बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक की। इसके अंदर सिलेबस जो टॉपिक कवर करता है बायो एक्विवेलेंस को कवर करता है, फार्माकोकाइनेटिक बायो फार्मास्यूटिक से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं वो हमारा बी फार्मा में 7 सेमेस्टर में सिलेबस कवर करता है। जैसे एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और कहाँ कहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कौन सा ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, कैटेगरी क्या है ड्रग की और किस किस तरीके से ड्रग को कन्वर्ट किया जाता है एक ब्रांड के अंदर, क्या फॉर्मुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, ये सब हम बायो फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और बायो फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और साथ ही साथ में हमें इसकी अच्छे से स्टडी करनी होती है क्योंकि बायो फार्मास्यूटिक्स है, इंडस्ट्री में जाएंगे तो अगर हमें कैलकुलेशन फार्मुलेशन के बारे में नहीं पता होगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा जो हमारी ड्रग डोसेज में थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग की, वो पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या मेडिकामेंट है कहाँ पर जाके इफेक्ट करेगा, क्या मेटाबॉलिज्म होगा उसका बॉडी में जाके, क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, कहाँ पर जाके वो डिज़ायरेबल इफेक्ट हमें शो करेगा, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होती है। और ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है बायो फार्मास्यूटिक्स में, ये सब हमें पता होना चाहिए। और हमें इसको अच्छे से समझना है तो एक बेस्ट बुक की ज़रूरत होती है जो मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, उसके अंदर का कंटेंट दिखाऊंगा, सिलेबस को दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से राइटर एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको इजी तरीके से इस बुक को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट ना हो। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं जवाब देता हूँ और नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक की बुक। यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर PCI रेगुलेशन 3rd ईयर बी फार्म सेमेस्टर 7 फार्मा बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। और जो इसके राइटर है, राइटर का नाम है डॉक्टर आनंद प्रधाकर और दूसरे राइटर का नाम है डॉक्टर सुनील बकलीवाल। तो दो राइटर्स ने इस एक बुक को लिखा तो इसलिए बेस्ट बुक है। और जो इसकी पब्लिकेशन कंपनी है वो है निराली प्रकाशन। निराली प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। और अगर आपको राइटर्स के बारे में जानना है तो उसके पीछे काफ़ी अच्छी तरीके से राइटर्स के बारे में, अबाउट द ऑथर्स के बारे में अच्छे से दिया गया है कि कहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करी, कहाँ इन्होंने अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करा। और अब मैं इस बुक के कंटेंट आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है हमारा कंटेंट। तो यह है हमारा कंटेंट। चैप्टर फर्स्ट में बताया जाता है इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिक, इंट्रोडक्शन, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल स्टडीज। चैप्टर 2 में एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन, इंटरस्टाइनल एपिथेलियम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रो GIT, ट्रांससेलुलर पैसिव डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन और पैरासेलुलर पोल ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट, कैरियर मेडिटेटेड ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट, बकल सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरमस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, वैजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर 3 में बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग, काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टेंट पोटेशियम एंड बाइंडिंग साइट बायोग्राफिक मेथड, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। चैप्टर 4 एलिमिनेशन, इंट्रोडक्शन, जनरल पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पाथवे, फेज फर्स्ट रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, फैक्टर अफेक्टिंग रेनल एक्सक्रीशन, क्लियरेंस कंसेप्ट, रेनल क्लियरेंस। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे बताया गया नॉन रेनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन,
चैप्टर 5 डिसोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसोल्यूशन, टेस्टिंग द मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन लेयर मॉडल, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी, सिंक कंडीशन इन इनविट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज, फैक्टर अफेक्टिंग डिसोल्यूशन रेट, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मुलेशन फैक्टर, टेस्ट पैरामीटर, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BCS बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग क्लासिफिकेशन, BCS क्लास बाउंड्री, की पैरामीटर ऑफ BCS, सिग्निफिकेंस ऑफ BCS, चैप्टर 6 बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो एक्विवेलेंस, डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव बायो अवेलेबिलिटी स्टडी, फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन टेस्टिंग मॉडल, द आइडियल फीचर ऑफ डिसोल्यूशन अपैरेटस, टाइप ऑफ इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस, डिसोल्यूशन मीडिया, इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, बायोक्यूवेलेंस, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोक्यूवेलेंस स्टडीज, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोक्यूवेलेंस असेसमेंट एंड मेजरमेंट, बायो वेवर्स बेस्ड ऑन द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, बायो वेवर बेस्ड ऑन डोसेज फॉर्म स्ट्रेंथ, बायो वेवर बेस्ड ऑन द बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ बायो वेवियर, डाटा टू सपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर बायो वेवर रिक्वेस्ट, मेथड टू इन्हांस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑफ काइनेटिक, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, कंपार्टमेंट मॉडल, परफ्यूजन मॉडल, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा बताया हुआ है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, इंटरवेनस इंजेक्शन, इंटरवेनस इन्फ्यूजन, एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर द कर्व, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, क्लीयरेंस। चैप्टर 8 में आते हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, इंट्रोडक्शन, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स, अदर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग ड्रग एक्युमुलेशन, डेरिवेटिव ऑफ जनरल इक्वेशन टू फाइंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू एनी टाइम आफ्टर मल्टीपल आईवी बोलस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सीमैक्स एंड सीमिन, एक्युमुलेशन फैक्टर, स्टडी स्टेट ड्रग लेवल, इफेक्ट ऑफ डोज ऑन स्टडी स्टेट, इफेक्ट ऑफ डोज इंटरवल ऑन स्टडी स्टेट, टाइम ऑफ रीच स्टडी स्टेट, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एसोसिएटेड विद स्टडी स्टेट, लोडिंग प्राइमिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज, कैलकुलेशन लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ऑफ फुल लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। चैप्टर 9 नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, इंट्रोडक्शन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, डिटेक्शन ऑफ नॉन लीनियरिटी मैकेनिज्म, मेंटेन इक्वेशन, डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन विट्रो डिटर्मिनेशन, इन वीवो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वी एंड के फ्रॉम स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बाय डायरेक्ट लीनियर प्लॉट मेथड, डिटर्मिनेशन बाय डायरेक्ट मेथड, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिकल, लर्निंग ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारा बताया गया है द टर्म बायोफार्मास्यूटिकल वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर जी लीवी इन 1960। बायोफार्मास्यूटिकल इज द स्टडी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये हमारा बताया गया फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, सिग्निफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स अच्छे से हमारा बताया है स्टडीज। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये है एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन, इंटरस्टाइनल एपिथेलियम, बस ये देखिए हमारा अच्छे से बताया हुआ, ये देखिए
आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने इस बुक के अंदर सब कुछ बता दिया, बायो फार्मास्यूटिक्स 7 सेमेस्टर में हम स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट की। ये सबसे बेस्ट बुक हो सकती है आपके लिए अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है बायो फार्मास्यूटिक्स की। और आप इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। मैंने इस बुक को अमेजोन से मंगाया था, ऑफलाइन मार्केट में भी मिल सकती है, लेकिन अमेजोन से आप इजीली तरीके से बस मोबाइल को ऑन करके और अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बुक है, आप स्टडी करेंगे इजी तरीके से, इसके अंदर बताया गया है, कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया है स्टूडेंट के लिए कि वो टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को समझ जाए 7 सेमेस्टर में, जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने सेमेस्टर को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है 7 सेमेस्टर में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर वीडियो को शेयर किया करिए, कि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी समझ पाए सब्जेक्ट को, वो भी समझ पाए कि किस किस तरीके से कौन सी बुक हमें अच्छे से समझा रही है बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।